नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ LS 5017 की FRP के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास है लाइफ LS 5017 और अगर उसमें FRP लगी हुई है तो आज की वीडियो में आप लोग बताऊँ किस तरह से आप लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, इसकी FRP के लिए सबसे पहले हमें मिरेकल बॉक्स ऑन करना है। लाइफ LS 5017 है ये मॉडल, और इसकी FRP रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें ओपन करना है मिरेकल बॉक्स। और मिरेकल बॉक्स ओपन करने के बाद हमें MTK वाले टैब पे रहने देना है, MTK वाले टैब पे ही। और यहाँ पे हमें फॉर्मेट पे टिक करना है, सेफ मोड हटा के हमें एडवांस FRP पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर मॉडल मिल जाता है तो मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे हम, और अगर यहाँ पे मॉडल नहीं मिलता तो हमें रहने देना है यूनिवर्सल पे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें कर देना है नो। उसके बाद हमें मोबाइल को पावर ऑफ करके दोनों वॉल्यूम के साथ में दबा के USB लगाना है। जब आप USB लगाएंगे तो कनेक्टेड टू फ़ोन ये यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद ये डाउनलोडिंग बूट एट जो दिखा रहा है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमें वेट करना है जब तक ये FRP इसमें रिमूव नहीं होती। और अगर आप लोगों के पास इस तरह समस्या आती है, यहाँ पर अगर ये रुक जाता है तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आपको मोबाइल को दोबारा से ऑन कर लेना है और दोबारा से मोबाइल को ऑफ़ करके ऑफ़ करना है और अनलॉक फिक्स वाले पे जाना है, और वहाँ पे क्लियर FRP सेटिंग पे क्लियर सेटिंग FRP पे टिक करके स्टार्ट बटन हमें दबाना है मोबाइल को ऑफ़ करके दोबारा से, और दोनों वॉल्यूम की साथ में दबा के उसके बाद हमें लगाना है USB। जब दोबारा इस पर क्लियर सेटिंग FRP पे टिक करके हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से नो करने के बाद जब हम USB को कनेक्ट करेंगे दोनों वॉल्यूम के साथ में दबा के, तब आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये इसकी FRP रिमूव हो जाएगी। 100% ये काम करता है। एक क्लिक में आप लोगों की FRP 2 मिनट में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और मोबाइल आपका ओके हो जाएगा।